कहना लो ना चलो सरकार क्या करें, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस बड़ी पकड़ावे, समझ ला कि ना क्या करी बड़ा। देखिए ऐसा है कि 2014 में जब मोदी जी की लहर देश में चली तो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, उन्हें लगा कि अब हमें जो है जो मुसलमानों की मांग बहुत पुरानी है उस रिजर्वेशन को हमें अनाउंस करना चाहिए, तो उन्होंने एक अध्यादेश निकाला 16% मराठा भाइयों को और 5% मुस्लिम को एजुकेशन और सर्विस में रिजर्वेशन। मैं समझता हूँ कि ये वहीं से इनकी नीयत सही नहीं थी, अगर ये चाहते तो स्पेशल एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाते और इसे कानून बना देते, परंतु उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये अध्यादेश लैप्स हो गया, लैप्स होने के बाद सिर्फ मराठा रिजर्वेशन पर चर्चा हुई, उसका कानून बनाया गया, उसके बाद लोग गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में बहस चली और हाई कोर्ट ने कहा कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन एजुकेशन में तुरंत दे दिया जाए, सर्विस में अभी बहस चलेगी, आगे निर्णय लिया जाएगा, उसे कैंसिल नहीं किया। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और जितने सेकुलर लोग थे 5 साल तक बीजेपी के राज में हाउस के फ्लोर से लेकर सड़क तक बार बार डिमांड होता रहा कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, बीजेपी नहीं दे रही है, बहुत बड़ा अन्याय कर रही है मुसलमानों के साथ, ये हम लोग बार बार बोलते रहे। अब बीजेपी चली गई, फिर से कांग्रेस सरकार आ गई, आदरणीय नवाब मलिक साहब ने अनाउंस किया कि हम रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, आज तक नहीं दिया, कोई चर्चा नहीं। आज हमने इस इशू पर बात करने की कोशिश किया तो हमें निगलेक्ट किया जा रहा था। मैं महाराष्ट्र की 15% माइनॉरिटी 13-14% मुसलमान, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो मैं समझता हूँ कि मेरा महाराष्ट्र डेवलप स्टेट में नहीं गिना जाएगा, और हम इस मुल्क के 5वां हिस्सा हैं, अगर 5वें हिस्से को ऊपर से काट दिया जाए ना तो आदमी मर जाएगा, नीचे से 5वें हिस्से को काट दिया जाए तो लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, बगल से 5वें हिस्से को काट दें तो आदमी का दोनों हाथ पैर कट जाएगा। तो अगर हमें इस देश को महाराष्ट्र को डेवलप्ड बनाना है, विकसित राज्य बनाना है, तो समाज के हर व्यक्ति के साथ, हर लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आज हाउस के अंदर मिनिस्टर साहब ने, नवाब मलिक साहब ने जवाब दिया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन में अब नहीं दे सकते जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ाए नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या कोई नई बात है क्या, ये तो कानून पहले से अगर है तो आपने लाया क्यों ये, और पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में, सरकार तो कांग्रेस की थी पहले, वहाँ पर इसको अमेंडमेंट कर लेना चाहिए था, फिर आपको लाकर यहाँ बेवकूफ बनाना चाहिए था मुसलमानों को। और आज ये कह दिया उन्होंने जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से 50% के कोटे में बढ़ोतरी नहीं होगी उस वक्त मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ पूरी कौम अब उनसे पूछेगी कि तुम लोग ये ला करके 5% रिजर्वेशन ला करके सिर्फ वोट लेना चाहते हो और बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। निंदा करता हूँ मैं ऐसे लोगों की जो झूठ बोल करके वोट लेना चाहते हैं और मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ ना फिर तो। अगर आपको मालूम है, आप कानून नहीं जानते क्या, आप पढ़े लिखे नहीं है क्या, आप तो आप जब आज ये कह रहे हो कि 50% में जब तक बढ़ोतरी नहीं होगी उस वक्त तक हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो आपको पहले ही मालूम करना चाहिए था। और फिर हाईकोर्ट में जब बहस हुई और जो हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि 5% दे दो, तो कहाँ ये वहाँ ये बहस नहीं हुई थी क्या कि नहीं दे सकते। ये सब जो है ना सब के सब मिले हुए हैं और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझ करके वोट इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं करना चाहते। और मैं ये भी कहता हूँ कि 1936 में साइमन कमीशन अंग्रेजों के ज़माने में उनकी सिफारिश पर, उनके रिकमेंडेशन पर इस समाज के दबे कुचलों को जिसमें मुसलमान भी शामिल था 35% रिजर्वेशन था, 35% रिजर्वेशन। जब आज़ाद हुआ देश 1947 में ये जारी रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसको जारी रखा, लेकिन कांग्रेस के हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले होम मिनिस्टर
आदरणीय जवाहरलाल नेहरू साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने एक 10 अगस्त 1950 को एक लेटर लिखा, श्री राजेंद्र प्रसाद साहब जो उस सबसे पहले देश के राष्ट्रपति थे उनको लिखा कि इस देश में अगर किसी को रिजर्वेशन मिल सकता है तो सिर्फ हिंदू को मिल सकता है और किसी को नहीं मिल सकता, उसमें मुसलमानों का, क्रिश्चियन का, सिख भाइयों का और जैन का, इन सब का रिजर्वेशन खत्म हो गया, हम 3% पर आ गए। और दूसरे कौमों ने आंदोलन किया, बाद में वीपी सिंह की जो है उनका एक दौर आया, रिजर्वेशन लाए उन्होंने, इसमें सबको मिल गया लेकिन क्रिश्चियन को, मुसलमान को, जैन को आज तक नहीं मिला। ये कांग्रेस का ये था एक बहुत बड़ा जो कदम था मुसलमानों के खिलाफ, वो उन्होंने उठाया और आज तक वही हो रहा है इस देश के अंदर। ये तो पूछे मंत्री जी से क्यों नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे नहीं कानून बैठते नहीं है, फिर आपने क्यों लाया ये, फिर कोर्ट की बात क्यों, कोर्ट ने क्यों कहा ये, इस पे बहस होना चाहिए, हाउस के अंदर बहस मांग रहे हैं हम लोग लेकिन बहस नहीं दी जा रही है। देखिए ऐसा था ना कि अब सरकार में शामिल होने के बाद भी आदरणीय नवाब मलिक साहब जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी बातचीत हो गई है, हम अब देने जा रहे हैं, ये अनाउंसमेंट कर चुके वो, और इन चीज़ों पर अगर एग्री हुए होंगे तभी तो हुआ होगा। हमने कोई कॉमन यूनियन प्रोग्राम नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया, हम शिवसेना के साथ कैसे जा सकते थे, लेकिन शिवसेना ने कहा कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो हम 30 साल तक ऐसे सांप्रदायिक लोगों के साथ थे और हम सेकुलर सरकार बनाएंगे, अब हम सेकुलर रहेंगे, हमने उनका साथ दिया, इसलिए साथ दिया कि बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी इस देश में जो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ा कर राज करना चाहती है वो सत्ता में ना रहने पाए। मेरा जो कितना भी जुल्म करेंगे मेरा समर्थन जारी इसलिए रहेगा कि बीजेपी ना आने पाए। पैर के नीचे से जमीन खिसक गई बेचारे के पास, कोई मुद्दा ही नहीं है। अब जो है ना अयोध्या में मंत्री का काम जारी है और अब मथुरा की बारी है, एक ही इशू बचा है उनका, सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके राज करना, खत्म हो गए। अब मैं बता दूं आपको, 11 महीने तक किसान बैठा था आंदोलन के ऊपर, 700 किसान का जो है खुदकुशी वो करके अपना शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी इतना ज़्यादा तानाशाही कि किसी की बात सुनने को तैयार है, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, लेकिन एक दिन गाजीपुर से अखिलेश यादव जी निकले और पहुँचे लखनऊ सुबह 4:30 बजे, सुबह निकले 11 बजे और 4:30 पहुँचे, इतनी पब्लिक की रास्ते में हाईवेज पे दाना रखने की जगह नहीं। उसी दिन घबराहट हो गई योगी जी के अंदर और मोदी जी से कहा कि जल्दी से किसानों का बिल जो है तीनों वापस ले लो नहीं तो गए काम से, और हमारी समाजवादी पार्टी के डर से इन्होंने तीनों किसानों का बिल वापस लिया, 50 रुपया कर दिया था प्लेटफॉर्म टिकट, 10 रुपये पे आ गए, अब इस पर कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या मरते वक्त तौबा कबूल नहीं होती। अब उनसे पूछो जो लिखे मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये भी बोलना है कि जो बोलो बोलो ना, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार को आज समाजवादी पार्टी ने एक्सपोज किया है। मराठा आरक्षण के विषय में जो भूमिका सरकार ने ली थी कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आप 50% को क्रॉस कर सकते हैं, वो भूमिका मुस्लिम आरक्षण के विषय में नहीं ली गई। और आज जब सन्माननीय अबू आसिम आजमी साहब ने नवाब मलिक साहब से पूछा कि आपका भूमिका क्या है, क्या आप मराठा आरक्षण के बराबर मुस्लिम आरक्षण के विषय को समझते हो और क्या ये आप भूमिका लोगे, तो वो बिल्कुल चुप हो गए। ये सरकार को आज एक्सपोज करने का काल समाजवादी पार्टी ने किया है। हमारी मांग है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मराठा आरक्षण में जो भूमिका ली गई है वही भूमिका आप मुस्लिम आरक्षण के विषय में भी लीजिए। ठीक है।